जैन दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्टिव स्ट्रॉन्ग स्टडी पर। दोस्तों आज मैं लाया हूँ वार्षिक परीक्षा 2022, ठीक है। यहाँ पर कक्षा छठी सामाजिक विज्ञान का पेपर, ठीक है। आपको जो पेपर होना दोस्तों 19 अप्रैल 2022 को, दोस्तों यही पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। ये 100% रियल पेपर है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर इस पेपर का पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा, सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए पहले क्वेश्चन, सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया, ठीक है। दोस्तों इसका उत्तर आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, ठीक है। इस पेपर का सॉल्यूशन भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, दूसरा देख लीजिए, महान स्नानागार किस शहर में मिला, ठीक है। तो इसका आंसर भी आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर तीसरा देख लीजिए, तीसरे में क्या पूछा है, ठीक है। तीसरे में क्या पूछा है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, ठीक है। तो इसका आंसर भी आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर चौथा देख लीजिए, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे, ठीक है। प्रसिद्ध शासक का नाम बताना, तो इसका उत्तर भी आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पाँचवा देख लीजिए, पाँचवा में क्या पूछा है, भारत की खोज पुस्तक के लेखक है। दोस्तों भारत की खोज किसने की थी, इसका आंसर भी आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगला देख लीजिए, अगले में क्या पूछा है, अगले में देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर छठे में क्या पूछा है, भारत आज़ाद हुआ, दोस्तों भारत कब आज़ाद हुआ था, इसका आंसर भी आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सातवां देख लीजिए, भारत में सरकार कितने समय के लिए चुनी गई, ठीक है। तो भारत में सरकार कितने समय के लिए चुनी गई है, दोस्तों इसका उत्तर भी आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगला देख लीजिए, आटे वाला गांव के एक किसान के खेत का रिकॉर्ड रखता है, कौन रखता है दोस्तों, इसका उत्तर भी आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। अभी मिलने वाला है, मतलब आपको लास्ट में मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नौवां देख लीजिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, ठीक है। तो इसका उत्तर भी आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला देख लीजिए, यहाँ पर दसवां देख लीजिए, ऊँटों के देवता, ठीक है, के रूप में किसे पूजा जाता है, ठीक है। ऊँटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है, इसका उत्तर भी आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आपको वीडियो के लास्ट में यहाँ पर उत्तर मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर उत्तर मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर अगले क्वेश्चन क्या पूछा है, 11 वाला, तारों की बहुत बड़ी प्रणाली को खालिस्तान कहते हैं, तो क्या कहते दोस्तों, तो इसमें उत्तर हो जाएगा दोस्तों आकाशगंगा कहते हैं, ठीक है। तो पहले में जाएगा दोस्तों यहाँ पर आकाशगंगा आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों दूसरा देख लीजिए, हमारे सौरमंडल में खालिस्तान ग्रह है, तो कितने ग्रह हैं दोस्तों, 8 ग्रह हैं, ठीक है, यहाँ पर दूसरे में आ जाएगा। उसके बाद तीसरे में देख लीजिए, 13 में नगर निगम के चुने हुए सदस्यों को खालिस्तान कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, यहाँ पर पार्षद कहते हैं, ठीक है, तीसरे में आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों 14 देख लीजिए, पंचायत के चुने हुए सदस्यों को खालिस्तान कहते हैं, तो क्या कहते हैं दोस्तों, पंच कहते हैं, तो यहाँ पर चौथे में आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ 15 देख लीजिए, पंचायत और नगर पालिका के चुनाव प्रत्येक वर्ष में होते हैं, कितने वर्ष में होते हैं दोस्तों, तो होते हैं दोस्तों पंचायत और नगर पालिका के चुनाव प्रत्येक खालिस्तान वर्ष में होते हैं, कितने वर्ष में होते हैं दोस्तों, 5 वर्ष में होते हैं, ठीक है, कितने वर्ष में दोस्तों, 5 वर्ष में होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला देख लीजिए, यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों, यहाँ पर यूरेशिया कहा जाता है, ठीक है, तो इसमें आ जाएगा दोस्तों यूरेशिया आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला देख लीजिए, यहाँ पर 18 वाला, खरीफ की फसल खालिस्तान ऋतु के प्रारंभ में आती है, तो वर्षा ऋतु आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों, वर्षा ऋतु आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 19वां देख लीजिए, 19वें में क्या पूछा है, खालिस्तान धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ है, तो दोस्तों इसमें आ जाएगा बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, ठीक है, ये आपकी कॉपी लिख लीजिए और याद कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों अगला देख लीजिए, यहाँ पर 20वां, दोस्तों यही पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है 19 अप्रैल 2022 को, ठीक है, सामाजिक का पेपर, ठीक है, यही पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। उसके बाद 20वां देख लीजिए, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, तो दोस्तों इसमें आ जाएगा राजस्थान। दोस्तों इनके आंसर आपको वीडियो के लास्ट मिल जाएंगे, ठीक है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर क्या पूछे, इसमें सत्य असत्य छाट कर लिखना है, ठीक है, हमको क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर पेपर इसका से दिया जाएगा, आपको सामने लगाना है सत्य है असत्य, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, 21वां, हड़प्पा पूरा स्थल आधुनिक पाकिस्तान में है, बिल्कुल है दोस्तों, ये आ जाएगा सत्य आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला देख लीजिए, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है,
बिल्कुल है दोस्तों, ये भी सत्य जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला देख लीजिए, राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का छिड़काव करते हैं, बिल्कुल करते दोस्तों, इसमें आ जाएगा दोस्तों सत्य जाएगा। उस अगला देख लीजिए, युद्ध करना तथा लोगों की रक्षा करना वेश्य वर्ण का कार्य था होता है, यह असत्य आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा असत्य आ जाएगा, ठीक है, ये गलत आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला देख लीजिए 2500, यहाँ पर बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था, बिल्कुल किया था दोस्तों, यह आ जाएगा मतलब सत्य आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों 2600 देख लीजिए, बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा दिया, तो दोस्तों इसका उत्तर तो आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, ठीक है, पता नहीं है दोस्तों इसमें सत्य आएगा या असत्य आएगा, ठीक है, यहाँ पर लास्ट में मिल जाएगा आपको। उसके बाद 2700 देख लीजिए, अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में मिले, बिल्कुल मिले दोस्तों, यह आ जाएगा सत्य। 2800 देख लीजिए दोस्तों, दिव सूचक यंत्र की चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है, बिल्कुल होती है दोस्तों, यह आ जाएगा हमारा सत्य जाएगा। उसके बाद दोस्तों 2900 देख लीजिए, सर्पेज का मतलब होता है और देने का अधिकार, बिल्कुल होता है दोस्तों, यह आ जाएगा हमारा सत्य जाएगा। 2300 देख लीजिए दोस्तों, ब्यावर अजमेर का क्षेत्र मेड़वाला के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल जाता है दोस्तों, इसमें आ जाएगा सत्य आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, इनके आंसर आपको अच्छे से वीडियो को लास्ट टाइम मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप हमारा दोस्तों, अगले क्वेश्चन में क्या करना हमने दोस्तों, हमें अगले क्वेश्चन में करना है सही जोड़ी का मिलान करना है, ठीक है, इसका आंसर तो आपको आपकी बुक में मिल जाएगा, ठीक है, तो फटाफट आपकी बुक से इसका आंसर मिला लीजिए, ठीक है, आराम से इसका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अब आएगा दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर 3600 क्वेश्चन देख लीजिए, पटवारी के दो काम लिखे हैं, ठीक है, पटवारी के दो काम बताइए, ठीक है दोस्तों, क्या करना है इसमें, पटवारी के दो काम बताना है दोस्तों, आपको यहीं पर लिखना है, ठीक है, तो इसका आंसर आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, ठीक है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर 3700 क्वेश्चन, पांडुलिपि का अर्थ स्पष्ट कीजिए, ठीक है, तो पांडुलिपि का अर्थ स्पष्ट करना दोस्तों, इसका आंसर आपको वीडियो को लास्ट में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 38वां, वेद कितने होते हैं इनके नाम लिखे, ठीक है, तो वेद कितने होते हैं दोस्तों, वेद 4 होते हैं और इनके नाम लिखना है, तो इसका आंसर भी आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों हमारा 3900 क्वेश्चन देख लीजिए, महाजनपद के राजाओं ने किले क्यों बनवाए, ठीक है, तो इसका उत्तर आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 4000 क्वेश्चन देख लीजिए, 40 में क्या पूछा है, रेड क्लिप रेखा किससे कहते हैं दोस्तों, ये आपके एग्जाम में 70 नंबर का पेपर आने वाला है, ठीक है, हर पेपर आपके एग्जाम में 67 नंबर का आता है, बट पेपर दोस्तों ये 70 नंबर का पेपर आने वाला है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 4100 देख लीजिए, राजस्थान के किन्हीं 4 प्रमुख दुर्गों के नाम लिखे, ठीक है, इसका आंसर भी आपको वीडियो को लास्ट में मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 4200 क्वेश्चन देख लीजिए, मावड किसे कहते हैं, ठीक है, इसका आंसर भी आपको वीडियो को लास्ट में मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों 43 देख लीजिए, पशुपालन से क्या लाभ है, ठीक है, इसका आंसर भी आपको वीडियो को लास्ट में मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप, 44 क्वेश्चन, गणगौर के अवसर पर किसकी पूजा की जाती है, ठीक है, तो किसकी पूजा की जाती है दोस्तों, इसका उत्तर भी आपको वीडियो के लास्ट टाइम मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 4500 देख लीजिए, ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं क्यों, इसका आंसर भी आपको वीडियो के लास्ट टाइम मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर हमारा, ठीक है, 46 क्वेश्चन, अक्षांश और देशांतर रेखा क्या है, इसको समझाना हमको, ठीक है, इसको उत्तर भी आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 4700 क्वेश्चन देख लीजिए, जल संरक्षण से क्या अभिप्राय है, सॉरी यहाँ पर अगला क्वेश्चन दोस्तों 4700, जल संरक्षण से क्या अभिप्राय है, संरक्षण के लाभ बताइए, ठीक है, इसका उत्तर भी आपको वीडियो के लास्ट में मिलने वाला। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन बचा हमारा 48वां, ग्राम पंचायत के कार्यों का वर्णन किन्ने है, ठीक है, तो इसका उत्तर भी आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर इसके आंसर देख लीजिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन में जाएगा कुत्ता जाएगा, उसके बाद दोस्तों दूसरे में जाएगा हमारा मोहन जोटो जाएगा, और तीसरे में दोस्तों यहाँ पर चाणक्य आ जाएगा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर चौथे में जाएगा हमारा उत्सान आ जाएगा, पाँचवें में जाएगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर छठा देख लीजिए, छठे में हमारा 15 अगस्त 1947 आ जाएगा, उसके बाद दोस्तों सातवें में जाएगा हमारा 5 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा आठवें देख लीजिए, आठवें में जाएगा दोस्तों यहाँ पर पटवारी आ जाएगा, दोस्तों आपकी बुक में आपकी कॉपी में इनके आंसर लिखते जाइए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नौवें देख लीजिए, नौवें में आ जाएगा दोस्तों जैसलमेर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दसवें देख लीजिए, दसवें आ जाएगा दोस्तों बाबूजी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो हमारा खालिस्तान आ जाएगा, खालिस्तान पहले में जाएगा हमारा, सॉरी 11वें में, ठीक है, आकाश गंगा जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 12वें में जाएगा हमारा 8 आ जाएगा, 13वें में जाएगा दोस्तों 65 आ जाएगा,
14 में आ जाएगा दोस्तों पंच हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 15 में आ जाएगा दोस्तों हमारा पाँच हो जाएगा, 16 में आ जाएगा दोस्तों यूरेशिया आ जाएगा, उसके बाद दोस्तों 17 में जाएगा दोस्तों हमारा 366 आ जाएगा, और 18 में जाएगा दोस्तों आपका वर्षा आ जाएगा, 1900 में जाएगा दोस्तों बौद्ध दे जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 20वें खालिस्तान में जाएगा हमारा राजस्थान आ जाएगा, उसके बाद दोस्तों हमारा आएगा यहाँ पर 67, ठीक है। इनका आंसर देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो पहले 21वें में जाएगा हमारा दोस्तों जो 21 आ जाएगा उसमें आ जाएगा दोस्तों हमारा 21 में आ जाएगा दोस्तों हमारा 7 जाएगा, 22 में जाएगा दोस्तों हमारा 7 जाएगा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 23 में जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा 7 जाएगा, 24 में 7 जाएगा, 25 में दोस्तों 7 जाएगा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 26 में जाएगा दोस्तों हमारा 7 जाएगा, 27 में दोस्तों हमारा 7 जाएगा, 28 में हमारा दोस्तों 7 जाएगा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 29 में भी 7 आएगा और 30 में भी 7 जाएगा। यहाँ से आंसर लगा लीजिए और आपको मैंने पेपर बता दिया उसका सॉल्यूशन है, ठीक है, आराम से देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आएगा हमारा 3600 क्वेश्चन, 36 क्वेश्चन दोस्तों वो आपकी ये इनका आंसर आप कॉपी में लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए 3600 क्वेश्चन का आंसर दिया है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 3700 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया है, ठीक है। 3700 क्वेश्चन का आंसर दिया है आप आपकी कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है, आराम से देख लीजिए यहाँ पर दिख जाएगा आपको, ठीक है, आराम से देख लीजिए 3700 क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 3800 क्वेश्चन देख लीजिए, 3800 क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर दिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 3900 क्वेश्चन देख लीजिए, 39 क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर दिया, आपने प्रश्न तो पढ़ लिया होगा, ठीक है दोस्तों, पेपर भी अच्छे से देख लिया होगा, ठीक है, इसके आंसर देख लीजिए यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 40 क्वेश्चन देख लीजिए, 40 क्वेश्चन आपने देख लिया होगा दोस्तों, 40 क्वेश्चन का यहाँ पर इसका उत्तर दिया है, ठीक है। इस उत्तर को आपकी कॉपी में लिख लेना है और याद कर लेना है, क्योंकि दोस्तों 19 अप्रैल 2022 को यह पेपर आने वाला है। आपको यूट्यूब पर बहुत सारे पेपर मिल जाएंगे दोस्तों, बट दोस्तों आप वहीं पर भरोसा करना जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 4100 क्वेश्चन देख लीजिए, 4100 क्वेश्चन का यहाँ पर उत्तर दिया है, ठीक है, आपने देख लिया होगा दोस्तों 4100 क्वेश्चन। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 42 क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, 42 क्वेश्चन का यहाँ पर उत्तर दिया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 43 क्वेश्चन दिया है, 43 क्वेश्चन का यहाँ पर उत्तर दिया है, ठीक है। इस उत्तर को आप अच्छे से कॉपी में लिख लीजिए और याद कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 44 क्वेश्चन दिया है, 44 क्वेश्चन का यहाँ पर उत्तर दिया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ 4500 दिया है, 4500 का यहाँ पर उत्तर दिया है, आप इस उत्तर को आपकी कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 46 क्वेश्चन दिया है, 4600 का यहाँ पर उत्तर दिया, आप इस उत्तर को आपकी कॉपी में लिख लीजिए और याद करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि 19 अप्रैल 2022 को यही पेपर आने वाला है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 47वां देख लीजिए, 47वां दोस्तों क्या करना है, आपको यहाँ पर उत्तर दिया है, ठीक है, इस उत्तर को आप आपकी कॉपी में लिख लीजिए और याद कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों जो हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है, ठीक है, उसका उत्तर देख लीजिए यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ उत्तर दिया है दोस्तों 4800 क्वेश्चन का, ठीक है, तो इसको आपकी कॉपी में लिख लीजिए और याद कर लीजिए अच्छे से, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा दोस्तों सामाजिक विज्ञान का पेपर कम्प्लीट हो गया, आप इन सारे प्रश्नों के उत्तर आप आपकी कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ये पेपर दिया है, ठीक है, इस पेपर को अच्छे से देख लीजिए, सारे प्रश्न आपको यहीं से मिल जाएंगे।